नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी घरों पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के 3,50,00,000 घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य। तिरंगा फहराने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मीडिया से हुए रूबरू। कहा, 18 जुलाई से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जानी जाएंगी पीएम अजय के नाम से। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को प्रभात यादव उर्फ अंकित यादव और विशाल यादव उर्फ पम्मू को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत के पहले रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र बनकर लगभग तैयार। सीएम योगी 3 सितंबर को कर सकते हैं लोकार्पण। श्री रामचरितमानस में जिस जटायु का उल्लेख है वही प्रजाति है रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध। जटायु ने ही माता सीता को रावण से बचाने के प्रयास में दे दिए थे अपने प्राण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकों के शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय वित्त एवं वित्तीय समावेशन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। समूह गठन CCL सहित अन्य समस्याओं के समाधान की दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। GST पंजीयन हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। सहायक आयुक्त ने कहा, GST पंजीयन से व्यापारी उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके वह हैं हकदार। रामगढ़ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, शिकारा मोटर चालित बड़ी नाव बनाकर लोगों को नौकायन का देंगे मौका, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जिला अस्पताल के OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या। SIC डॉक्टर JSP सिंह ने कहा, उमस और गर्मी के कारण आ रहे हैं तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा, सोमवार के दिन जल चढ़ाने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न, पितृदोष होता है दूर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने को लेकर लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए जिसका सभी लोगों को पालन करना है। उन्होंने कहा, 13 अगस्त से सरकारी गैर सरकारी दुकान मकान पर 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए। देश के सभी पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3,50,00,000 घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। झंडा फहराने के लिए सोशल मीडिया, समाचार पत्र, न्यूज चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। इस अवसर पर ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG जे रविन्द्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये सब का भी माल है, 26 का भी माल है। कितना
इस संदर्भ में कल राष्ट्रीय स्तर पर माननीय गृहमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 11 से 17 अगस्त को स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा और जो जन भागीदारी से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक 3 दिन सरकारी और निजी प्रतिष्ठान सभी को सम्मिलित किया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार तिरंगा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। यह हम सभी को सुनिश्चित जैन पोर्टल पर झंडे उपलब्ध हैं। ये अलग अलग 3 साइज है, इस पे स्वयं सहायता समूह स्थानीय टेलर के माध्यम से आप लोग वहाँ पर बुलवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था हो सकती है। हमको प्रेरक अभियान इस तरीके से करना है, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं और इसमें आप लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यह है झंडे की मांग बढ़ाने के लिए कैसे हम लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। बहुत सारे जो सोशल मीडिया या फिर आने के जरिए देश का टारगेट 10 करोड़ का उन्होंने 20 करोड़ कर दिया है, पर उनको 4.5 करोड़ का टारगेट प्रदेश में। अलग अलग जनपदों ने पोर्टल पर जो सूची अपलोड की है एक बात है, और ये कुछ जिज्ञासाओं के बारे में हमें बताया है झंडे को कैसे प्रदर्शित किया जाए। भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.1 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार किसी धर्म का सम्मान बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आज पहला सोमवार का शुरू भी हो गई, जो प्रेशर हमने देखा है वो प्रेशर वेस्टर्न यूपी में तो देखा ही है, लेकिन वाराणसी में काफी प्रेशर आज रहा है सर। अब तक करीब 4.5 लाख लोग दोपहर तक 4.5 लाख हो गए थे सर, तो काफी प्रेशर है। मैं पिछले बार डेट्स के बारे में भी आपको बताया था, बाकी चीजों के बारे में बताया था। मैं सर केवल 3 चीजों पर कहना चाहूंगा। आज सुबह ही एक घटना अमरोहा में हुई है, जहां NH पर एक रो पर एक लाइन जो उस तरफ ट्रैफिक चल रहा था वहां रिवर्स में कावड़िए आ रहे थे, गलती उनकी जरूर थी लेकिन उनकी डेथ हो गई और वहां रोडवेज की बसें टकरा गई। ये स्पष्ट है कि 10-12 किलोमीटर दूर अमरोहा शहर से था को नहीं मिली। मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा कि जो मुख्य कावड़ मार्ग है दिल्ली रुड़की NH-58 जिन जनपदों में है, दिल्ली अलीगढ़ NH-91, दिल्ली बरेली हरिद्वार NH-74 और प्रयागराज वाराणसी NH-19 और NH-28 अयोध्या गोरखपुर, सभी DMSP अपने जिले में पड़ने वाले इन मार्गों का स्वतः निरीक्षण करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर कितनी पुलिस बल कहां लगा है, ट्रैफिक मूवमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लास्ट ईयर लगभग 60 रोड एक्सीडेंट्स कावड़ों के हुए हैं, इस बार कोशिश करके कम से कम इनको आधा करने की जरूरत है सर। तो पहला बिंदु ये उभर कर आया है। दूसरा, जो कावड़ मार्ग है वेस्टर्न यूपी में दिखवा लीजिए। मुझे कहा गया था कि हम लोग ने जो बैठक DGP साहब के साथ वहां की थी कि 16 और 17 तारीख तक यानी आज मंडे से पहले पूरे कावड़ मार्ग की मरम्मत हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि कमिश्नर मेरठ और बिजली से सुरक्षित रखने की व्यवस्था, इन 3 चीजों पर सर आज बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि सभी की रिपोर्ट लिखा पढ़त में जिले वाइज आगे स्ट्रिक्ट एक्शन का निर्देश दिया है। छोटी घटना में अनावश्यक रूप से आगे बढ़ने दिया गया इस कारण से कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मोर्चा छोड़कर वहां से चले आए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 18 जुलाई 2022 उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के नाम से जानी जाएंगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,000 सीमा निर्धारित थी तथा नियम की योजनाओं में अनुदान राशि 10,000 ही अनुमन्य थी।
इसमें भारी परिवर्तन करते हुए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आए थे उनके लिए मार्जिन मनी मुक्त कर दी गई है, किंतु जिनकी आय सीमा 2.5 लाख या उससे भी कम है उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को उद्यमी बनाने के लिए आज़ादी के बाद पहली बार पात्रता और अनुदान राशि में बड़ा परिवर्तन किया गया है तथा विशेष केंद्रीय सहायता के तहत संचालित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की रोजगार परियोजनाएं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को एकता जोड़कर इसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति पीएम अजय कर दिया गया। अब अनुसूचित जाति के लोग कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन खाद्य प्रसंस्करण हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग सेवा व्यापार के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों को रोजगार से जुड़ने के लिए यह एक सरकार का बड़ा कदम है, इससे दलितों को बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों का समग्र विकास हो रहा है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार कार्य कर रही है। आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे बड़ा सम्मान देने का कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा, हाँ ये तो चला जाता है, नहीं मतलब शुरू करेंगे अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 1975 से कार्य कर रहा है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से एक अभूतपूर्व परिवर्तन हमारे निगम की योजनाओं में और अनुसूचित जातियों की रोजगार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जिस पर पहली प्रेस मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। हमारी जो पात्रता थी उसमें अनुसूचित जाति का होना चाहिए, उसकी आय सीमा शहरी क्षेत्रों के लिए 56,000 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,000 हुआ करती थी। अनुदान के रूप में हम लोग प्रति लाभार्थी 10,000 रुपये दिया करते थे, लेकिन अब हमारी केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाओं का अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति, किसी भी आय सीमा का व्यक्ति अब उसका लाभार्थी बन सकता है, किंतु हम 2.5 लाख रुपए तक के लोगों को, आय सीमा तक के लोगों को प्रथम वरीयता देंगे। इस प्रकार से एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है और इसके पीछे आशय यह है कि अनुसूचित जातियों को सदियों की त्रासदी से बचाने के लिए उनको रोजगार से जोड़ा जाए और वे इन योजनाओं के माध्यम से छोटे रोजगारी नहीं बल्कि दलित उद्यमी, बड़े दलित उद्यमी बन सकते हैं। अभी तक स्टैंड अप इंडिया योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से इस देश में लगभग 12,000 बड़े दलित उद्यमी हैं और हमें उम्मीद है कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए जो हमारी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो लागू की गई है वह एक बड़ा परिवर्तन करेगी और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हमें उम्मीद है कि जो ये अनुसूचित जातियों का दंश है, अनुसूचित जाति कहने की जो अनिवार्यता है वह समाप्त हो जाएगी। यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी के नाम पर चलाई गई है और इसके बड़े सार्थक परिणाम होंगे। देखिए, अब हम जो योजनाएं चला रहे हैं वह रोजगार परक होंगी। हम उन्हें अनुदान के रूप में, एक सहायता के रूप में 50,000 रुपये देंगे और अब यह योजनाएं व्यक्ति परक नहीं होंगी बल्कि क्लस्टर में होंगी, समूह के रूप में। 2 लोगों का समूह होगा, 4 लोगों का समूह होगा, 10 लोगों का भी, और प्रति समूह में जितने भी व्यक्ति होंगे हम प्रत्येक को 50,000 रुपये देंगे
और हम उस प्रोजेक्ट के लिए जिस काम में लगेगा, जैसे मछली पालन है या कोई प्रोडक्शन का कोई काम है, जो भी होगा हम उसके लिए प्रशिक्षण भी देंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम उसको उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट की भी व्यवस्था करेंगे। तो यह एक बड़ा अभिनव, बड़ी अभिनव योजना है और इससे दलितों के दिन बहुरेंगे। देखिए, अनुदान के अलावा वो बैंक के दर पे ब्याज होगा। अभी तक जो हमारी योजनाएं चल रही थी, 25% की राशि पे हम 6% 4% ब्याज लिया करते थे और शेष बैंक की दर पे हुआ करता था। अमूमन यही प्रवृत्ति इसमें भी लागू होगी। सहजनवा थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को ग्राम महदेया थाना सहजनवा से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान प्रभात यादव उर्फ अंकित यादव पुत्र इंद्रासन यादव निवासी सहजनवा वार्ड नंबर 1 थाना गीडा जनपद गोरखपुर, दूसरा विशाल यादव उर्फ पम्मू पुत्र रामाज्ञा यादव निवासी बनगावा थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SP नॉर्थ ने बताया कि दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे थे, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सहजनवा थाना प्रभारी अंजुल कुमार चतुर्वेदी, उप निरीक्षक राजकुमार, ओम प्रकाश यादव, अजय कुमार श्रीवास्तव, विश्लेंद्र यादव, आलोक सिंह, अशोक कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 18/7/2022 को थाना सहजनवा में 307 के वांछित अभियुक्त प्रभात यादव और अंकित यादव तथा विशाल यादव की गिरफ्तारी की गई। उल्लेखनीय है कि इसमें अंकित यादव के विरुद्ध 9 मुकदमे तथा विशाल यादव के विरुद्ध 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके विरुद्ध काफ़ी मुकदमे हैं और ऐसे मनबड़ अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर व गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। गोरखपुर वन प्रभाग के महाराजगंज पार्ट के फरिंदा के भारी वैसी में भारत का पहला रेड हेडेड ब्लचर प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र बन रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 सितंबर को लोकार्पण कर सकते हैं, जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का राजगिद्ध, जिन्हें अंग्रेजी में रेड हेडेड ब्लचर के लिए पहला संवर्धन केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि सितंबर के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 3 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण में 3 जोड़ी रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध लाए जाएंगे। वन विभाग के साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मिलकर इस कार्य को कर रही है। श्री रामचरितमानस में जिस जटायु का उल्लेख वे प्रजाति रेड हेडेड ब्लचर की है, जटायु ने मां सीता को रावण से बचाने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए थे। उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष में गिद्ध 1 जोड़ा लाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरे होने 15 साल का है, जिसकी लागत 35 करोड़ रुपए है। गिद्धों के संरक्षण के लिए शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के नियम बनाए। वर्तमान में दुनिया में सिर्फ 9% से कम गिद्ध बचे हैं। 10 वर्षों में 40 जोड़े किंग वल्चर पैदा करने का लक्ष्य गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा तैयार DPRO के मुताबिक इस जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र में 10 जोड़े रेड हेडेड ब्लचर का संरक्षण होगा। लक्ष्य है कि अगले 8 से 10 वर्ष में 40 जोड़े रेड हेडेड ब्लचर इस केंद्र से छोड़े जा सकें। शुरुआती दौर में 25 गिद्ध रखे जाएंगे। इनमें 70% किशोरावस्था एवं 30% एडल्ट श्रेणी के होंगे। युवावस्था में पहुंचने के लिए 1 गिद्ध 4 से 5 वर्ष का समय लेता है। पहले साल केंद्र में 2 ब्रीडिंग एवियरी बनाई जाएगी, सुविधाओं से लैस होगा। केंद्र जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र में 1 गार्ड रूम, 1 जनरेटर रूम, 1 प्रशासनिक परिसर, 2 होल्डिंग या डिस्प्ले एवियरी, 2 हॉस्पिटल एरियरी, 1 रिकवरी एवियरी, 2 नर्सरी एवियरी, ब्रीडिंग एवियरी 1,
फूड सेक्शन और एक वेटनरी सेक्शन का निर्माण होगा। क्लोज सर्किट कैमरा से गिद्धों के संरक्षण व प्रजनन की मॉनिटरिंग होगी। केंद्र की देखभाल के लिए रेंजर रैंक के सेंटर मैनेजर, डिप्टी रेंजर स्तर रैंक के सहायक सेंटर मैनेजर सहित कईयों की तैनाती होगी। गिद्धों पर GPS चिप लगाकर नजर रखी जाएगी। इनकी सैटेलाइट टैगिंग भी की जाएगी ताकि उड़ान भरने की इनकी क्षमता का आकलन किया जा सके। इस केंद्र को बनाने के लिए 5 हेक्टेयर जमीन आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्थल में 10 किलोमीटर दूर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा कि जो दूसरा जोड़ा आएगा उसे कुछ दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, देखिए पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का जो रेड हेडेड वल्चर के लिए ये पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। और ये हमारे जो गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपेगंज रेंज जो पड़ती है उसमें बनाया जा रहा है। और इसमें काम प्रथम वर्ष का काम पूर्ण हम लोगों ने कर लिया था और अभी जो बजट हमें प्राप्त हो गया है तो अभी जो काम काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने दोबारा फिर से प्रारंभ कर दिया है। जल्दी काम पूर्ण कर लिया जाएगा और इसका शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराए जाने की पूरा प्लान हम लोग बना रहे हैं। इसमें जो है अभी प्रथम वर्ष में एक जोड़ा गिद्ध का लाया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने जिस लोकेशन से लाना है वो चयनित कर लिया है और उसके बाद में उसके संरक्षण के लिए उसके प्रजनन के लिए कार्रवाई चालू की जाएगी। उसके बाद अगले वर्षों में ये पूरे 15 साल का प्रोजेक्ट है, लगभग 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें हम लोग का लगभग 10 साल बाद इस तादाद में हम लोगों को यहाँ पर जो है गिद्धों की संख्या प्राप्त कर लेनी है कि उनको पुनः जो है उनके प्राकृतिक वास मतलब जंगल में छोड़ा जा सके। और इससे जो है पूरे विश्व भर में जो गिद्धों की संख्या है जो एकदम न्यूनतम होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसके संरक्षण के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास जो है हमारी सरकार और जो है वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सर कितनी ज़मीन आवंटित की गई है? इसमें लगभग 2 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ आवंटित है जिस पर जो हम लोग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाएंगे। एक जोड़ा लाने के बाद में जो दूसरा जोड़ा आएगा उसको क्वारंटाइन करने के लिए जो अभी वर्तमान स्थल है उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा जिसमें लाके उस जोड़े को नया जो जोड़ा आएगा उसको उस दिन रखा जाएगा। तो इस तरह से जो पूरा ये हमारा योजना क्रियान्वित होगी। सर क्या कब उम्मीद है इसका आप मुख्यमंत्री कब तक? इसमें अभी फिलहाल डेट फिक्स नहीं हुई है लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही निकट भविष्य में जितना जल्दी हो सके हम लोग उसका कानपुर करके और उसका उद्घाटन कराएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय वित्त एवं वित्तीय समावेशन पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण NXC भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में स्वतः रोजगार के उपायुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक से आ रही समस्याओं के निदान के लिए बैंक शाखा प्रबंधकों को भारत सरकार 2 ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। बैंक कर्मियों को जो समस्या आ रही है उसका समाधान किया जा रहा है। उनको समूह गठन, CCL सहित अन्य विषयों के समाधान के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मियों को यह भी बताया जा रहा है कि वह खाता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में खाता खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेंगे, यह बात समूह की महिलाओं को भी बताएं जिससे उनका CCL और बचत हो सके। उन्होंने कहा प्रशिक्षण में 207 बैंक के शाखा प्रबंधक शामिल रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा UP बैंक उत्तम कुमार मिश्रा, LDM के राजेश पांडे, दीप्ति पंत, S सुंदर, राजन बाबू, नितेश जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वतः रोजगार के उपायुक्त अनिल कुमार सिंह एवं जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा, I was a banker, but my the mixer carries I was with the rural development department as a PDD earlier today. Both of these I was in Jammu Kashmir, Srinagar. See, there is a peculiar in loan for any Mahila if she wants to get any 25,000 rupees loan, no banker will give you.
they are not eligible to get a loan in Srinagar up to 2012. If at all, if they wanted to get a loan in the Mahila, their two government gazette officers has to give guarantee. When I was there, I was shocked. Then I called the NABARD, I mean AGM there at that time, and another RBI regional director. I went to these people, I discussed with them very lengthy. What is this? Our own Mahila, they are more confident for 100% recovery rather than the main. You are not giving a loan. Whether the RBI circular is applying to the, I mean, Jammu and Kashmir or not, these are the questions came. After that, they have changed this, I mean, circular. Then slowly the Mahila loan comes in. The SDSY gave us a very good sign, very good, I mean, focus. What is this? We can give loan to the women. They are really more confident to pay back our money with interest. So there are also some sort of small problems. What is the problem? Group loan. The group, who are all there? Father, mother, daughter, daughter-in-law. A family comes into the group. So there comes a problem in LGSY. If at all if the good group is there, they could take only one activity, group activity. So that was also another problem. So these are all the problems we found out. Then slowly we moved to another sector. It is called NRLM. The NRLM, which is having a wide scope. Wide range of scope. What is this? NRLM is not only for loan scheme. The goal, the mission and the vision of the NRLM is not only getting a loan. They could be come out from the bottom. Even 3 lakh. So if they want to come out from the poverty, if the family needs to come out. Aaj is ek dusri bankers karsala mein janpat ke gramin area ke sahi bank managers yahan pe sahi bank mein sab 16 bank hai 207 hamari branches leke yahan inhon ne kafi training diya idhar se kafi kuch sikhaye hue hain to LDM sahab apni baat bataya sir kshetri prabandhak ग्रामीण बैंक के हैं आपने डीडी में उनको सर आपकी तरफ से प्रशासन पद दे ज्वाइन कराते जाएंगे धन्यवाद सर सबसे पहले हैं यूको बैंक से शाहपुर शाखा ब्रांच के शाखा प्रबंधक वित्तीय समावेशन में मतलब इससे बढ़िया सोशल कॉल आप नहीं कर सकते मतलब इनफैक्ट मैं पहले भी सीनियर रहा था पीएम भी रहा तो गाजियाबाद और बलरामपुर और हापुर हम लोग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में घूमे हैं तो जैसे कोई सर का ग्रुप एलईडी बना रहा है जैसे यहाँ पे लोग टेराकोटा में काम कर रहे हैं गारमेंट्स पे काम कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो सभी चीज़ के लिए रिसोर्स की आवश्यकता है फंड तो
आप जितना स्कीम में आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जितना लोग सर्वेल ग्रुप के प्रति आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, मतलब दिस इज बेसिकली अ सोशल वर्क। अगर आप जैसे सीडी रेशियो भी अगर डिस्ट्रिक्ट का देखोगे तो मुझे लगता है रेडली सम बैंक रीजन 60%। तो इट इज, दिस इज द बेस्ट वे टू री इन्वेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ये लोग डेवलप करेंगे तो मतलब दे स्टार्ट सेविंग्स, दे विल कम बैक टू योर बैंक। तो इनिशियली हाथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब मेरा अपना मानना है, बेसिकली ये वर्कशॉप का बेसिक आइडिया है मेक यू अवेयर अबाउट द स्कीम एंड गेट इन्वॉल्व इन द स्कीम। जैसे कभी कभी हम लोग को इस बात का समीक्षा करना पड़ता है कि क्रेडिट लिंकेजेस नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो दिस इज समथिंग जो नहीं आना चाहिए। मतलब बेसिकली आइडिया यही है कि आप इस स्कीम के बारे में जानें एंड दिस इज, आप इसके बारे में मतलब महसूस करेंगे ये दिस इज नॉट अ वन डे इम्पैक्ट। आप आज ने, आज आपने क्रेडिट दे दिया लोगों को तो यू सी इम्पैक्ट, बट जब आप यहाँ से ट्रांसफर होकर जाएंगे 5-10 साल के बाद, जब आप 2-4 ग्रुप का नाम सुनेंगे, मोरल ग्रुप का एक ग्रुप है जो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो आपको अपने आप में गर्व महसूस होगा, आपको अपनी नौकरी की सेटिस्फैक्शन होगी कि ये सेल्फ ग्रुप जब बना था इसमें आई वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इनफैक्ट जनपद में अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 15-16 हज़ार सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसे अराउंड लगभग 1.5 लाख महिलाएँ से लेंगे। मैं अनिल कुमार सिंह, EDDRDA DC NRLM का अतिरिक्त चार्ज। एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, उसके संबंध में जो बैंक से आ रही समस्याएं हैं उनके निदान करने के लिए बैंकर्स का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है स्टेट लेवल से। भारत सरकार से 2 ट्रेनर भी आए हुए हैं, वो यहाँ रात दिन भर की ट्रेनिंग करेंगे। जो समस्याएं आ रही हैं हमारे जनपद में वो बैंकर्स अपनी बात उठा रहे हैं, उसका यहाँ समाधान किया जा रहा है। समूह गठन से लेके CCL से लेके बैंक लिंकेज से लेके जो समस्या है उसके समाधान के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। क्या क्या जानकारियाँ दी जा रही हैं? जानकारियाँ मेनली बैंक में खाता खोलने के लिए समूह की महिलाओं को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, उनको बचत कितने दिन करनी है, फिर उसके बाद उनका CCL कब होगा, कब लोन होगा इत्यादि के बारे में अभिलेखीकरण, क्या क्या डॉक्यूमेंट इत्यादि रहेगा उसका यहाँ पर प्रशिक्षण आदि दिया जा रहा है सभी बैंकर्स को। तो कितने बैंक शामिल हुए? 207 बैंक हमारे सामने, 207 शाखा प्रबंधक, 16 बैंक हैं उसमें से 207 ब्रांच हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। टिकली एक स्कीम है जो हमारे यहाँ जैसे 16,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है, लगभग 1.5 लाख महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, तो बैंक्स भी आए हुए हैं, बैंक्स वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है जिसके कारण ये ग्रुप काफ़ी सहायता भी हुआ है। तो बेसिकली एक जॉइंट टाइप का वर्कशॉप था जिसमें हम लोग लोगों को बता रहे हैं स्कीम में हो क्या रहा है और जो इश्यूज आते हैं बैंक के तरफ से या सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो भी डिस्कस किया जा रहा है ताकि ये स्कीम को हम लोग और प्रभावी बना सकें और दोनों इसमें मिलजुल के अच्छा रिजल्ट दे सकें। इसी में कुछ लोगों को बैंक में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को सम्मानित भी किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी घरों पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के 3,50,00,000 घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य, तिरंगा फहराने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मीडिया से हुए रूबरू। कहा, 18 जुलाई से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जानी जाएंगी PM अजय के नाम से। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित 2 अभियुक्तों को प्रभात यादव उर्फ अंकित यादव और विशाल यादव उर्फ पम्मू को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत के पहले रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र बनकर लगभग तैयार। CM योगी 3 सितंबर को कर सकते हैं लोकार्पण। श्री रामचरितमानस में जिस जटायु का उल्लेख है वही प्रजाति है रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध। जटायु ने ही माता सीता को रावण से बचाने के प्रयास में दे दिए थे अपने प्राण।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकों के शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय वित्त एवं वित्तीय समावेशन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। समूह गठन CCL सहित अन्य समस्याओं के समाधान की दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। GST पंजीयन हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। सहायक आयुक्त ने कहा, GST पंजीयन से व्यापारी उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके वह हैं हकदार। रामगढ़ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, शिकारा मोटर चालित बड़ी नाव बनाकर लोगों को नौकायन का देंगे मौका, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जिला अस्पताल के OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या। SIC डॉक्टर JSP सिंह ने कहा, उमस और गर्मी के कारण आ रहे हैं तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा, सोमवार के दिन जल चढ़ाने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न, पितृदोष होता है दूर। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। यो कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। फ्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, यू लाइक इट चीकू?
डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? It's magnificent and it also comes in gold and chrome black. And by the way, it's Chico, not doggy. Presenting Hughes by Hindwear Italian Collection. Stunning colored faucets with long lasting finish that's noticed by everyone. Hindwear Italian Collection. ISL Institute for Simplified Learning, दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर. स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स. अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46. दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की. इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल ने अधिकारियों के साथ एजेंडा वार विधिवत समीक्षा की. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लोग कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग एवं सेवा व्यापार आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं. अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक बड़ा कदम है और इससे दलितों का बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं व नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना, टेलरिंग शॉप योजना, बैंकिंग सुविधा प्रदाता योजना, स्वतः रोजगार योजना आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य समय से शत प्रतिशत पूर्ण किए जाएं. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में कहा गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनसंख्या वाले चयनित गांव का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है. इस योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी संरचना की व्यवस्था, पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें व आवास, विद्युत तथा स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण का कौशल विकास करना. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा. तो विजिट तो किया होगा आप लोगों ने. कुछ गांव ऐसे हैं जिसको के रूप में दिखाई पड़े कि हाँ तो उसमें कुछ गाँव. सर दिल्ली से सर विश्वास से गाँव हमारा था जो उस समय टॉप पे चल रहा था, टॉप टू था. सर चूँकि सर्वे होता है हमारे लगभग 2 साल पहले का सर्वे, उसका आधार पे दिया जाता है. तो जो सर्वे के अनुसार उसमें हमने संकट कर दिया था, लेकिन ये कि इसमें 5 साल का इतना चल रहा था सर, लगातार उनको सूचना आया हुआ कुछ दिन में. तैयार करके बताइए. अच्छा सर, हम आपको सर एक रिपोर्ट बनाने पा कहता फोटो सर से सर आप उसको जो आप बताएं. कोई कोताही नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम से है, आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत मेरे साथ देते हैं इसको. तो सर अब तक 3 महीने में 1,000 रुपये अच्छा, इसलिए मैंने सामने 1,47,000 रुपये पूछ लिया. उसके पहले सर लगभग लगभग 1.5 लाख की मांगी थी सर. अच्छा, अभी वसूली करो सर, वसूली थोड़ा तेज करिए, क्योंकि वसूली करीब 6,000 के आसपास. जी सर, सर सर भी बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास आती है, फॉरवर्ड करते हुए भेजा भी था जी मैडम को कि आप इस विचार देखिए भाई. वो मीटिंग में बात तो हुई थी इसकी करने की. नहीं ठीक है, इसको करवाते हैं. ओके, इसको प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो नई योजना हमारी लागू की हुई है, गोरखपुर को हमने उपयुक्त समझा, पवित्र नगरी है और यहीं से इसकी घोषणा की जाए जिससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग इसे जान सकें और इसका लाभ ले सकें.
वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी पंजीयन हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है। यहां पर व्यापारी गतिविधियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। बड़ी मात्रा में यहां पर ऐसे व्यापारी हैं जो अभी तक जीएसटी पंजीकरण नहीं करवाए हैं, उन्हीं को जीएसटी पंजीकरण कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जीएसटी पंजीयन के लिए बहुत सारे लोग हैं। यदि छोटे और मझोले व्यापारी बड़ी मात्रा में पंजीयन कराते हैं तो उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। घर बैठे ही मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं जो अधिकारी के पोर्टल पर चला जाता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई पंजीकृत व्यापारी है तो उसके साथ किसी तरह की दुर्घटना, मृत्यु होती है तो राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अगर व्यापारी घायल होता है तो उसे 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे तमाम योजना छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई जाती है। इस अवसर पर राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रकाश चंद्र गुप्ता, उपायुक्त आनंद कुमार राय, अनुप कुमार पांडे, सहायक आयुक्त विजय बहादुर, रवीश कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर विभाग सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह ने कहा, मैं अमित कुमार सिंह, सहायक आयुक्त राज्य कर गोरखपुर। ये राज्य कर विभाग गोरखपुर द्वारा जीएसटी पंजीयन विशेष जागरूकता अभियान 2022 चलाया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, विभाग को दिए गए निर्देश के क्रम में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ ऐसे व्यापारी हैं जो जिनका पंजीयन कराया जा सकता है, अभी वो पंजीयन नहीं कराए हैं। उन्हीं जो पंजीयन नहीं कराए हैं व्यापारी, उन्हीं को पंजीकृत कराने के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनको ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पंजीयन के बहुत सारे लाभ हैं। यदि छोटे व्यापारी और मझोले व्यापारी बड़ी मात्रा में पंजीयन कराते हैं तो उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत होता है तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि पंजीयन कराने के लिए किसी भी प्रकार से आपिस का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। वो घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकता है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। फिर वो फॉर्म अधिकारी के पोर्टल पर आ जाता है। अधिकारी को भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसको पंजीयन देना होता है और पंजीयन के बाद वो निर्भीक रूप से अपनी व्यापारी गतिविधियों को नियमानुसार चला सकता है। एक बार व्यापारी जब पंजीकृत हो जाता है तो कहीं से भी वो अपने जीएसटी पंजीयन पर माल मंगा सकता है निर्भीक होकर। कहीं भी हमारे सचल दल या प्रवर्तन की जो इकाइयां हैं उनको रोकेंगी नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर्ड बिल पे माल लेके आएगा, तो उसको किसी भी प्रकार से डरने की या किसी भी प्रकार से झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यापारी छोटा या मझोला व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हो जाता है तो उसको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है तो वो अपने जीएसटी नंबर के आधार पे और अपने टर्नओवर के आधार पे अपने निकट के आसपास के बैंकों में जाके संपर्क कर सकता है। बैंकों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। उन योजनाओं का लाभ उठाकर वो बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त कर सकता है और अपने व्यापार को अधिक ऊँचाई पर ले जा सकता है। एक और बात, जो हमारी राज्य सरकार है वो पंजीकृत व्यापारियों को बीमा दुर्घटना योजना दे रही है, चाहे वो राज्य क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यापारी हो, चाहे वो केंद्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यापारी हो। यदि उसके साथ खुदा ना खास्ता किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है
तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनागत मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारी को तत्काल राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और यदि विकलांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राज्य सरकार की ओर से 5 लाख की दुर्घटना जो है राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से छोटे व्यापारियों के लिए, मझोले व्यापारियों के लिए तमाम योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर लाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। यदि व्यापारी पंजीकृत होगा तो उन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यही सूचना जन जन तक, ग्रामीण बाजारों तक पहुँचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ताकि आप सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये सूचना गाँव कोने कोने तक गोरखपुर के जाए और अधिक से अधिक मात्रा में व्यापारी इसमें पंजीयन अभियान में सहभागी बनकर अपना पंजीयन कराएं और देश और राष्ट्र के विकास में सहभागी बने। धन्यवाद। जनपद में रामगढ़ ताल की तरह अब राप्ती नदी में भी मोटर चालित बड़ी नाव चलेगी। राप्ती नदी के दोनों तटों के सुंदरीकरण के बाद पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर जनपद विश्व के पर्यटन के मामले में बहुत ही तेजी से उभर रहा है। उसी क्रम में रामगढ़ ताल की तरह ही राप्ती नदी में भी एक सिकारा मोटर चालित बड़ी नाव बनाकर लोगों को नौकायन का मौका देंगे। अयोध्या के नाविकों के साथ बैठक कर ली गई है। जल्द ही अयोध्या से नाव आ जाएगी तथा घाट पर आम दर्शक पर्यटकों के लिए चलाया जाएगा। निश्चित रूप से धार्मिक पर्व के अलावा आम दिनों में भी स्थानीय निवासी नौकायन का पर्यटक के साथ आनंद उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के अंदर इस नाव का ट्रायल किया जाएगा। शुरू में कम से कम 5 नाव चलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप लोगों के भी संज्ञान में होगा, राप्ती नदी के दोनों तटों पर शासन के द्वारा उच्च कोटि का सौंदर्यीकरण कराया गया है और उसकी वजह से वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जो कि वहाँ पर धार्मिक पर्वों पर, छठ आदि के पर्वों पर यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं। और जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भगवान शंकर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, इसके साथ साथ दोनों घाटों का सौंदर्यीकरण हो जाने की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक, जिसमें कि देश से और विदेश से भी आने वाले पर्यटक शामिल हैं, यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो राप्ती नदी के किनारे बने हुए जो नैसर्गिक छटा है, जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका आनंद उठाते हैं। इन सही सब चीज़ों को देखते हुए कि जो धीरे धीरे गोरखपुर शहर जो है विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर बहुत तेज़ी से उभरा है, उसी की कड़ी में रामगढ़ ताल की तरह ही एक प्रयास है कि हम राप्ती नदी में भी एक सिकारे की तरह की जो एक सुंदर नाव को बनाकर उसमें हम लोगों को नौकायन का मौका दें। उसके संबंध में हम लोग का प्रयास चल रहा था कि अयोध्या के आए हुए नाविकों ने नगर निगम के सामने स्थानीय पार्षदों की मौजूदगी में एक प्रस्ताव रखा है कि उनको यहाँ पर बोट को सजाकर संवारकर ले आएंगे वो यहाँ पर, और यहाँ पर उनको चलाकर पर्यटकों को नौकायन का लुत्फ उठाने का मौका दें। इस संबंध में जो बातें चल रही थी वो अंतिम स्तर पे पहुँच गई हैं और आप पाएंगे कि अति शीघ्र जो है यहाँ पर अयोध्या से वो नावें यहाँ पर आ जाएंगी और उसको यहाँ पर आम पर्यटकों के लिए, आम दर्शकों के लिए उसको यहाँ पर खोल दिया जाएगा। और निश्चित रूप से धार्मिक पर्वों के अलावा भी आम दिनों में भी जो यहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी जो बाहर से आ रहे हैं, वो भी नौकायन के साथ साथ पर्यटन का आनंद उठा सकेंगे। सर कब तक आने के लिए? बहुत शीघ्र है, एक बार उनसे कहा गया कि यहाँ जल्दी से लेके आकर इसका ट्रायल कर लिया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे अगले 10 दिनों के भीतर इसका ट्रायल और अन्य जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लिया जाए। और शुरू में हम लोग कम से कम 4 से 5 जो नाव हैं यहाँ पर चलाने की एक हमारी कोशिश है कि जिसमें कि वहाँ पर दोनों घाटों में एक तरफ 3 कर दें, एक तरफ 2 कर दें। साथ साथ जो हमारे घाटों में बने हुए चेंजिंग रूम हैं, घाटों में बने हुए जो उच्च कोटि के शौचालय हैं, इन सबको भी हम लोग पूरी तरह से अपडेट कर दें, जिससे कि यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके।
निश्चित रूप से, चूँकि कोई भी चीज़ करने के लिए उसका ऑपरेशन के साथ साथ उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है, अतः इस पूरी एक्सरसाइज में ONM का कभी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन शुल्क, ये शुल्क जो है खाली नाम मात्र का होगा, सिर्फ उतना कि जिससे कि हम उसमें वहाँ पे जो नाव जिनकी चल रही है, नाव और नाव चलाने वाले नाविक का खर्चा जो है हम लोग उसको वहन कर सकें। बाकी ये कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे आने वाले लोग गोरखपुर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक छटा है, उसका आनंद ले सकें। सोमवार को जिला अस्पताल के OPD में मरीजों की संख्या में भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि मौसम में उमस और गर्मी के कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिसके संबंध में SIC डॉक्टर JSP सिंह ने बताया कि गर्मी और धूप काफ़ी तेज पड़ रही है, जिसमें तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज आ रहे हैं, जिसमें उल्टी, चक्कर, बुखार, पेट दर्द के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड को देखते हुए मरीजों को पहले स्कैनिंग कराया जाता है, जो भी कोविड सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाता है, तथा जब तक OPD चलती है तब तक लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SIC डॉक्टर JSP सिंह ने कहा, इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, वो भी चिपचिपी ह्यूमिडिटी की वजह से। तो जनरली आजकल जो मरीज आ रहे हैं, उल्टी, चक्कर, पेट में दर्द, इस तरह के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। सर, कोविड के देखते हुए जो हमारे यहाँ पहले स्क्रीनिंग कराया जाता है मरीज़ों को, जिसमें सस्पेक्टेड बुखार का होता है उसकी हम लोग जाँच कराते हैं। आजकल कोविड के केसेस कुछ शहर में बढ़ गए हैं, तो जो भी कोविड की सरकारी गाइडलाइन उसका पालन किया जाता है। हमारे यहाँ उससे लाउड स्पीकर से जब तक OPD चलती है तब तक ये प्रचार होता है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। सभी OPD के कक्ष के सामने हमने वो लगवा दिया है, सब लोग मास्क पहन के आए और जो भी गाइडलाइन है उसका पालन किया। सावन के पहले सोमवार पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर बारी बारी से बाबा मुक्तेश्वर नाथ को जल चढ़ाया और विधि विधान से पूजा अर्चना किया। श्रद्धालुओं ने बाबा मुक्तेश्वर नाथ से परिवार और संसार के लोक कल्याण की मन्नत मांगी। आपको बता दें कि मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी व केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को कतार में लगने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी रमानाथ ने बताया कि सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाए और अपनी मन्नत मांगी। इस मंदिर में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को भांग, धतूर, बेलपत्र, दूध, दही, मिठाई, फल, श्रद्धालुओं की जो भी भावना होती है वह भगवान शिव को चढ़ाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि सोमवार के दिन जल चढ़ाने से ग्रह पितृ दोष दूर होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं एवं मंदिर के पुजारी रमानाथ ने कहा, बोल रखना।
सोमवार को जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। यह सोमवार शिव जी का दिन है और हर सावन मास में हम लोग यहाँ आते हैं, एक महीने जल चढ़ाते हैं। नित्य सावन में शिव जी जैसे साक्षात रहते हैं अपने स्थान पे, वो जल चढ़ाने से ज़्यादा मिलता पुण्य। हाँ, ये सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या क्या चढ़ाया जाता है? भांग, बगुरा, बेलपत्र, दूब, रीमा धर दुबे मास, बुधली मास है, यहाँ बेलपत्र, दत्तू सब कुछ चढ़ाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुक्तेश्वरनाथ बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अरे हमको हो गया 2-3 साल आते हुए। बहुत महत्व होता है। प्रमोद कुमार शर्मा, सावन में भगवान शिव जी का पूजा करने से बहुत तरह के लाभ होते हैं, बहुत तरह के मतलब ग्रह दोष दूर होते हैं, बहुत पितृ दोष भी दूर होते हैं, पूरी होती है। बहुत ज़्यादा श्रद्धा है यहाँ पे। बहुत पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पे मतलब जो भी भक्त अपने मन में मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। सावन के 4 सोमवार जिसमें होते हैं उसको भी खास माना गया, जिसमें 5 सोमवार होते हैं उसको और भी खास माना गया। भगवान जी का सबसे मूल वही है जल, जल तो चुप चढ़ाते हैं, उसके साथ में बेलपत्र है, भांग, धतूरा, ये सब जो है कि मिक्स करके चढ़ाते हैं। सुबह चंद्रमा सावन का मास चल रहा है, इसमें भोलेनाथ का जल चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए माना गया कि समुद्र मंथन जब हुआ था, जो अमृत मिला था, इसी माह में भोलेनाथ ग्रहण किया था, उसी ग्रहण विष को शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। और ये बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है। कितने साल से आ रहे हैं ये? तो मैं समझिए सैकड़ों साल से ऊपर का मंदिर है। सावन का क्या महत्व? सावन का महत्व भोलेनाथ के जल चढ़ाने का होता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है उसमें? भोलेनाथ को दूध अर्पण किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है, बेलपात्र। महंत मुक्तेश्वरनाथ रमानाथ, सावन का पहला सोमवार है, 3 बजे सुबह से दरवाज़ा खुल गया है, उसके बाद जल चढ़ाने वालों की भीड़ हजारों की संख्या में आ रही है, जा रही है, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग करके जाते हैं। यहाँ पर बहुत सिद्ध जगह है, जो लोग आते हैं उनकी जो मनोकामनाएँ होती है वो सब पूर्ण हो जाती हैं। सावन में जिससे 9 दिन नवरात्र का होता है माता जी का, उसी तरह से 1 महीने सावन का भोलेनाथ का जल चढ़ाने से पूरे साल भर का फल मिलता है।
क्या क्या चढ़ाया जाता है यहाँ? भांग धतूर जो इच्छा होती है भक्तों के अंदर, जो जो भावना होती है वो सब लेकर के आते हैं, अपना चढ़ाते हैं, दूध दही घी मौज चीनी सब कुछ चढ़ाते हैं। प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया है यहाँ, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी है और CISF की भी व्यवस्था है, सिक्योरिटी पुलिस की फोर्स की व्यवस्था तगड़ी से तगड़ी है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी घरों पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के 3,50,00,000 घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य, तिरंगा फहराने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मीडिया से हुए रूबरू। कहा, 18 जुलाई से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जानी जाएंगी पीएम अजय के नाम से। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को प्रभात यादव उर्फ अंकित यादव और विशाल यादव उर्फ पम्मू को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत के पहले रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र बनकर लगभग तैयार। सीएम योगी 3 सितंबर को कर सकते हैं लोकार्पण। श्री रामचरितमानस में जिस जटायु का उल्लेख है वही प्रजाति है रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध। जटायु ने ही माता सीता को रावण से बचाने के प्रयास में दे दिए थे अपने प्राण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकों के शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय वित्त एवं वित्तीय समावेशन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। समूह गठन CCL सहित अन्य समस्याओं के समाधान की दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। GST पंजीयन हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। सहायक आयुक्त ने कहा, GST पंजीयन से व्यापारी उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके वह हैं हकदार। रामगढ़ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, शिकारा मोटर चालित बड़ी नाव बनाकर लोगों को नौकायन का देंगे मौका, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जिला अस्पताल के OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या। SIC डॉक्टर JSP सिंह ने कहा, उमस और गर्मी के कारण आ रहे हैं तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा, सोमवार के दिन जल चढ़ाने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न, पितृदोष होता है दूर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।